चाइना में लॉन्च होने के 5 महीने बाद जब ओप्पो K1 फाइनली इंडिया में लॉन्च हुआ और वो भी एक्सक्लूसिवली ऑन फ्लिपकार्ट, तो हम सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये फोन बहुत ही एग्रेसिवली प्राइस्ड होगा, और वो इसलिए भी क्योंकि इस वक्त मिड रेंज सेगमेंट में बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है इन द फॉर्म ऑफ रेडमी नोट 7 एंड सैमसंग एम सीरीज फोन्स। पर हुआ वही जो हमेशा होता है, ओप्पो ने इस फोन को लॉन्च किया 17,000 रुपए में, और वो भी 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट में। अब सैमसंग M20 का सिमिलर स्पेक्स वाला वेरिएंट आता है 13,000 रुपीज का, और रेडमी नोट 7 का भी सिमिलर वेरिएंट आपको पड़ेगा अराउंड 13,000 रुपीज का। सो सोचने की बात यह है कि क्या सैमसंग M20 और रेडमी नोट 7 को लेने की बजाय आपको 4,000 रुपए एक्स्ट्रा लगाकर ये फोन लेना चाहिए या नहीं, और यही पता लगाएंगे हम आज इस शॉर्ट वीडियो में। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं उन एरियाज की जहां पर ये फोन आउटशाइन करता है रेडमी नोट 7 और सैमसंग M20 को। अब ओप्पो K1 में आपको 6.4 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। अब ये ना सिर्फ देखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड वाइब्रेंट लगता है, बल्कि आपको एमोलेड स्क्रीन्स में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी फीचर मिलता है जो कि आपको LCD स्क्रीन्स में नहीं मिलता। एंड डिस्प्ले के अंदर ही आपको एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है, जो कि वही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो कि आपको ओप्पो R17 प्रो में भी मिलता है, एंड ये आपके फ़ोन को अनलॉक करता है इन लेस देन ए सेकेंड, विच इज फैंटेस्टिक। प्लस इसके अलावा ओप्पो K1 में आपको मिलता है एक मच बेटर 25 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, वहीं रेडमी नोट 7 में आपको मिलता है एक 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, एंड सैमसंग M20 में मिलता है आपको सिर्फ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। एंड ये तीनों ही फीचर्स इस फोन को ले आते हैं इन दी कैटेगरी ऑफ ए प्रीमियम मिड रेंज फोन, जैसे कि वीवो V11 प्रो जो ओप्पो K1 से 7,000 रुपए ज्यादा महंगा है, और उन 7,000 रुपए में आपको फास्ट चार्जिंग के साथ साथ IR फेस अनलॉक और 2GB रैम भी मिलती है। इनफैक्ट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर ज्यादा बेटर है ओप्पो K1 का वीवो V11 प्रो के मुकाबले। सो अगर आप ओप्पो K1 को वीवो V11 प्रो से कंपेयर करें तो ओप्पो K1 प्रोवाइड्स ए वे बेटर वैल्यू फॉर मनी। लेकिन Vivo V11 Pro और Oppo K1 दोनों पिछले ही साल लॉन्च हुए हैं, एंड 5 महीने में ही मिड रेंज स्मार्टफोन्स मार्केट इतनी बदल गई है इंडिया में, जिसकी वजह से Oppo K1 एक डेटेड फोन लगने लग गया है कई मायनों में। अब आपको दोनों Samsung M20 और Redmi Note 7 में USB Type-C पोर्ट मिलता है विद क्विक चार्ज सपोर्ट, जबकि Oppo K1 में अभी भी आपको मिलता है सिर्फ माइक्रो USB पोर्ट। साथ ही में रियर कैमरास के केस में Redmi ने नक्शा बदल दिया है मिड रेंज स्मार्टफोन्स का, जहां आपको एक 10,000 रुपीज के फोन में मिलता है 48 मेगापिक्सल का कैमरा, जो कि आई नो टेक्निकली एक 12 मेगापिक्सल का कैमरा ही है, पर वो प्रोवाइड करता है वे बेटर डिटेल्स एंड लो लाइट इमेजेस इन कंपैरिजन टू दी अदर मिड रेंज फोन्स। एंड रेडमी नोट 7 आता है एक प्रीमियम ग्लास बैक के साथ, जो ना सिर्फ देखने में बल्कि फील में भी बहुत ही प्रीमियम लगता है। ऑन दी अदर हैंड ओप्पो K1 आता है एक पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ। हालांकि मुझे इसका ग्रेडियंट डिजाइन बहुत ही ज्यादा पसंद आया है, एंड आई रियली विश कि ये बाकी कलर्स में भी इंडिया में लॉन्च होता। अब बात करें बैटरी की तो सैमसंग M20 आता है एक मैसिव 5000 mAh की बैटरी के साथ। ऑन दी अदर हैंड ओप्पो K1 में आपको मिलती है एक डीसेंट 3600 mAh की बैटरी, जो कि एक दिन की बैटरी लाइफ प्रोवाइड करती है आपको ऑन मीडियम यूज। सो 4,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पे जहां आपको कई प्रीमियम फीचर्स मिल रहे हैं इस फोन में, वहीं 5 महीने पहले लॉन्च होने की वजह से कुछ फीचर्स की कमी तो आपको जरूर खलेगी। सो फाइनली ये आपके प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फोन ज्यादा पसंद आएगा। अब आपके हिसाब से कौन सा फोन प्रोवाइड करता है ज्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी, ओप्पो K1, रेडमी नोट 7 या सैमसंग M20, हमें जरूर बताइएगा इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो। एंड इसी के साथ हम आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ऑन योर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स। आप जब भी हमारा एक वीडियो शेयर करते हैं तो हमारे वीडियो के लिए व्यूज और हमारे चैनल के लिए सपोर्ट, हमें दोनों मिलता है। सो प्लीज डू शेयर अवर वीडियोज विद योर फ्रेंड्स ऑन योर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल इफ यू वॉन्ट टू वॉच मोर सच वीडियोज। एंड अगर आप चाहते हैं कि हमारे नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले अपने मोबाइल्स पर मिले, तो वो जो सब्सक्राइब बटन के साथ में एक बेल आइकन है उसे प्लीज दबा दीजिए। एंड हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। टेक केयर।